अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान ने 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक 2017 में ऐतिहासिक राजस्थान का किसान आंदोलन किया था और 13 दिन के बाद राजस्थान की सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र, जिसमें 50,000 तक का हर किसान का कर्जा माफ हो, हर किसान को 60 साल के बाद पेंशन का, आवारा पशुओं का इंतजाम हो, इस तरह से 11 सूत्री मांग पत्र पे लिखित समझौता 4 मंत्रिमंडल समूह के साथ हुआ था, लेकिन वो समझौता सरकार ने लागू करने के बजाय बेवकूफ बनाने का काम किया। अभी सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में कुछ घोषणाएं की है और सरकार ने दावा कर रही है उस घोषणा के बाद में कि हमने किसानों की मांगें मान ली है, लेकिन सच्चाई ये है तो किसान जानता है कि एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कर्जा माफ की बात की है, दूसरा इन्होंने सिर्फ जो सीमांत लघु सीमांत किसान है उनके कर्जे माफी की काम की है, जो कि बहुत कम संख्या में है। टोटल किसानों का कर्जा जो है 80% 90% किसान उससे बाहर रहता है। किसान विरोधी, नौजवान विरोधी बजट, मुर्दाबाद। मोदी का किसान नौजवान विरोधी बजट, मुर्दाबाद। 5 महीने के बाद में भी सरकार ने उस समझौते को लागू करने की बजाय उसे वादा खिलाफी करने का काम किया है और इसी को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी ने 22 फरवरी 2018 को विधानसभा कूच का आह्वान किया है। 15 तारीख को हमारा नागौर वाला जत्था शुरू हुआ था और 18 तारीख को जत्था शुरू हुआ था सीकर वाला। दोनों जत्थे बड़े आराम से आ रहे थे, लोग गांवों के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से उनका वेलकम कर रहे थे। कोई गांव हमारा 5-6 जिलों के अंदर ऐसा बचा नहीं जहां से लोग आने वाले नहीं थे। ऐसी स्थिति के अंदर जब जत्थे जयपुर के अंदर आ गए और जयपुर के अंदर जत्थों को दूसरा दिन जब हो गया था यहां आए हुए, तब सरकार ने एकदम से उन जत्थों को जो नेतृत्व करी थी, सबसे पहले अमराराम वाला जत्था और अमराराम वाले जत्थे के सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद गंगानगर के अंदर एकदम एक्शन किया, जहाँ पर हेतराम बेनीवाल और शोपत राम और पवन दुकड़ को एकदम से गिरफ्तार किया और उसी के बाद जस्ट पेमा राम के नेतृत्व में जो जत्था आ रहा था उस जत्थे के सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि इसे किसी ना किसी तरह से दबा दिया जाए, लेकिन वो शायद भूल रही हैं कि किसान आंदोलन का इतिहास रहा है, उन्होंने बर्बर से बर्बर दमन को एक तरफ करते हुए उससे पार पाया है और जीतें हासिल की हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का 22 फरवरी 2018 को जो जयपुर कूच है, सरकार की औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, लेकिन जहां भी अगर रोकने की कोशिश, मैं समझता हूं करेगी नहीं, अगर करेगी तो जहां भी रोकेगी वही पड़ाव डालने का काम करेंगे। जनता को अन्न देने वाला अन्नदाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता।